कुरुक्षेत्र जिला जेल में कैदियों और बंदियों को अध्यात्म से जोड़ने तथा हृदय परिवर्तन के लिए दिव्य ज्योति संस्थान द्वारा सत्संग व धार्मिक प्रवचनों का कार्यक्रम किया गया। सत्संग में साध्वी वैष्णवी ने प्रवचन दिए। सभी साध्वी के प्रवचनों से मंत्रमुग्ध हो गए। कुरुक्षेत्र जिला जेल में कैदियों और बंदियों को अध्यात्म से जोड़ने तथा हृदय परिवर्तन के लिए दिव्य ज्योति संस्थान द्वारा संगत व धार्मिक प्रवचनों के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भजनों का भी गुणगान हुआ। जेल में सत्संग में साध्वी वैष्णवी ने प्रवचन देते हुए बताया कि अध्यात्म में ही ऐसी शक्ति है जो हमारे दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाता है। अध्यात्म ही मनुष्य के अंदर की छिपी हुई शक्तियों को जागृत करता है। इससे मनुष्य अपने जीवन की शक्तियों को जागृत कर कमियों पर भी काबू पा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अध्यात्म से ही अपनी संस्कृति से परिचित भी कर सकते हैं। मनुष्य में इसी विचारधारा से ही परिवर्तन आ सकता है। साध्वी ने मनुष्य द्वारा किए जाने वाले बुरे कामों के संबंध में कहा कि यह सभी हमारे विकारों और कर्म संस्कारों के अधीन होते हैं। उन्होंने बताया कि विवेक तथा बुद्धि से ही सही मार्ग पर चला जा सकता है। विवेक और बुद्धि अध्यात्म से ही प्राप्त होते हैं। इस मौके पर सभी साध्वी के प्रवचनों तथा भजनों से मंत्रमुग्ध उठे। पुलिस अधीक्षक जेल डॉक्टर सिंह जय बस वहीं तक लगा देना, बाइट लगा देना आगे। पहले सभी देखने वाले दर्शकों को मेरी ओर से सभी को जय श्री कृष्णा। और जैसे हम यहाँ जेल में कार्यक्रम करने के लिए आए हैं इनमेट्स के लिए, तो यही है कि जीवन एक अवसर है और इस अवसर में जीवन की लंबाई का नहीं, जीवन की गहराई का महत्व होता है। हमने जीवन कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, हमने जीवन को किस ढंग से जिया ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी धर्म सम्मेलन में गए शिकागो में ना, तो वहाँ पर जाकर उनको एक अवसर मिला भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का। उन्होंने उस अवसर का बहुत लाभ उठाया। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बहुत सारे सुअवसर प्राप्त होते हैं, लेकिन हमारे पास वो दृष्टिकोण और दिशा नहीं होती जिस दिशा के माध्यम से डायरेक्शन के द्वारा हम उसको फॉलो कर सकें, उस अवसर का लाभ उठा सकें। और अध्यात्म में ही ऐसी शक्ति है। अध्यात्म सर्वप्रथम हमारे दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाता है और फिर हमारे अंदर की छुपी हुई शक्ति को प्रकट करता है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में परिवर्तन भी कर सकते हैं, अपनी कमियों पर काबू पा सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, और अध्यात्म के द्वारा हम अपनी संस्कृति से परिचित भी हो सकते हैं और मनुष्य में इसी के माध्यम से परिवर्तन आ सकता है। यही आज का हमारा संदेश। किसी कारणवश देखिए, ये सब कार्य जो होते हैं ये हमारे विकारों के अधीन और कर्म संस्कारों के अधीन होते हैं। कारण यही है कि हम अपने जो हमारे अंदर की फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, उनको नियंत्रण करने की विवेक शक्ति हमारे पास नहीं है। विवेक का अभाव है, जिसे पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं। तो वो विवेक जो है वो अध्यात्म के माध्यम से ही हमें प्राप्त हो सकता है, क्योंकि एक होती है बुद्धि, एक होता है विवेक। बुद्धि के द्वारा आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन सकते हैं, लेकिन विवेक जिसका संबंध हमारी आत्मा से होता है, तो आत्मा का मार्ग कभी गलत मार्ग नहीं होता, वो हमें सही दिशा प्रदान करती है। तो ये अध्यात्म के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। आज के कार्यक्रम के लिए दिव्य ज्योति संस्थान का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और साध्वी जी ने और इनके सभी टीम ने यहाँ आकर जो दुख से पीड़ित लोग हैं उन लोगों को ज्ञान के सागर में गोता लगवाने के लिए जो काम किया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छी सोच है ये। और हम मेरी दिल की इच्छा है कि इनके शब्द को, इनके शब्दों को सुनकर, इनके प्रवचनों को सुनकर कई लोगों के मानसिक और हर तरह से परिवर्तन आना चाहिए, हृदय परिवर्तन होना चाहिए उनका। थैंक यू।